नमस्कार दोस्तों, जी फॉर गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आपको मैं एक पैंटम 4 की कंप्लीट हाउसिंग चेंज करना दिखाऊंगा, कैसे कंप्लीट बॉडी को उसमें चेंज करते हैं। जो पिछले वीडियो में आपने देखा था इसके गिम्बल को मैंने कैसे रिपेयर किया था, इस वीडियो में आपको कंप्लीट हाउसिंग कैसे चेंज करते हैं वो बताएंगे। सबसे पहले ये बैटरी वाले जो हाउसिंग है, बैटरी वाला जो डिपार्टमेंट है उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम बैटरी के इसके चारों टाइप के स्क्रू के वो हम पहले रिमूव कर देंगे। स्क्रू रिमूव हो गया है। स्क्रू रिमूव होने के बाद हमें ESC के सारे वायर को हमें निकालना पड़ेगा, तभी ये सारे मोटर्स और ESC अलग हो सकते हैं। इससे पहले ये GPS का जो केबल है उसको मैंने यहाँ पे अनप्लग कर दिया है। और अब हम जो मोटर्स के सारे वायर्स होते हैं जो कि ESC में लगे होते हैं उसको सभी को हमें निकालना पड़ेगा। बैटरी हाउसिंग निकल चुका है। अब इसके नीचे GPS का जो कंपोनेंट है वो लगा होता है। GPS मॉड्यूल को हम निकालेंगे। GPS मॉड्यूल को हम थोड़ा सावधानी से निकालेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो हीट सिंक होता है GPS का वो ख़राब ना हो जाए, तो इसको हम थोड़ा सावधानी से निकालेंगे। ये हमने यहाँ पे DJI का ओरिजिनल हाउसिंग बॉडी जिसको कहते हैं उसको यूज़ किया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर DJI की पैकिंग में ही है। इसको हम अब यूज़ करेंगे।
मोटर सारे कनेक्ट हो गए हैं। अब बैटरी के असेंबली को हम लगाएंगे, जो बैटरी जहाँ पे इंसर्ट होता है जिसमें 3-in-1 बोर्ड लगा होता है उसी असेंबली को हम, उसी स्क्रू के 4 स्क्रू लगे होते हैं सर्व साइड में, उसी के हेल्प से हम उसको दोबारा से टाइट कर देंगे। एक बार बैटरी लगा के अब चेक करेंगे कि प्रॉपर ये सेट हुआ है कि नहीं, ये साउंड आ गया है जो एसी का, जिससे ये कंफर्म है कि हाँ कनेक्शन प्रॉपर है और एलईडी भी सारी जल रही है। अब टाइम है नीचे के लेग के डिपार्टमेंट को लगाने का, जो नीचे बॉटम जो हाउसिंग है, बॉटम बॉडी है, उसको हम फिट करेंगे। इसको भी मैंने ओरिजिनल ही यूज़ किया है, ओरिजिनल डीजे का। अब फटाफट इसमें हम लैंडिंग गियर को लगा देते हैं। लैंडिंग गियर है प्रॉपर फिट हो गया है। अब लैंडिंग गियर फिट होने के बाद हम इसके टॉप एंड बॉटम बॉडी को सेट करेंगे। We'll be right back.
वाटर एंड टॉप हाउसिंग फिट हो गया है। अब बैटरी लगा के इसको चेक करेंगे कि प्रॉपर कनेक्शन हुआ है कि नहीं। रिमोट में हम इसके सारे कनेक्शंस को हम चेक करेंगे। देख सकते हैं कि सारे जो कनेक्शन है प्रॉपर है, सारे सिग्नल्स में प्रॉपर मिल रहा है, सेंसर चारों वर्किंग है, कंपास भी यहाँ पे लग गए हैं, कंपास कैलिब्रेट करना है ओनली, तो कंपास भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। सारे एसी सारे कंपोनेंट्स के प्रॉपर फिट हैं। अब हम इसमें गिम्बल लगा के चेक करेंगे। गिम्बल में दो फ्लैप होते हैं, पावर का एक ट्रांसमिशन का, प्रॉपर उसको लगाएंगे। एक भी प्लग अगर रह जाएगा तो प्रॉपर गिम्बल वर्क नहीं करेगा, उसका डेटा हमें नहीं मिल पाएगा। गिम्बल लगा के मैंने ऑन कर दिया है। आप देखते हैं, देख रहे हैं गिम्बल की टोटल फीडिंग हमें आ रही है, वीडियो फीडिंग आ रही है। और यहाँ पे इसको थोड़ा आर्म करके देखेंगे कि ये आर्मिंग हो रहा है कि नहीं, गिम्बल भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। मोटर आर्म करके देखेंगे कि मोटर आर्म हो रहा है कि नहीं। अब यहाँ देख सकते हो प्रॉपर मोटर भी चल रही है, मोटर आर्म हो गया और हमारा ये मिशन सक्सेसफुल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।